हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसलिए हमें हमेशा पेड़ लगाना चाहिए। क्या हर एक पौधा एक संपूर्णतः पेड़ बन पाता है? क्या वह अपने जीवन का लक्ष्य क्योंकि एक बड़ा पेड़ बनना है और अपनी हरियाली से चारों ओर सुख और शांति फैलाना है, क्या वह प्राप्त कर पाता है? आइए जानते हैं हमारे नाटक के माध्यम से। हमारा नाटक रूट ऑफ लाइफ आपको एक ऐसी जर्नी पर लेना जाएगा जहां आप और हम देखेंगे कि कैसे एक पौधा एक पेड़ बनता है, कितनी कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है और कैसे उसका असर उसके परिवेश पर पड़ता है। हमारे नाटक में कई से किरदार हैं जिनमें से आपको किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। उपेश कुमार मैंने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से इंडस्ट्रियलिस्ट का किरदार, सुज्ञान नंदा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से गोपाल का किरदार, फाल्गुनी महापात्र पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से भूला का किरदार, सिद्धार्थ प्रधान पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से प्रोजेक्ट का किरदार, जगा प्रधान दुर्गापुर डिपार्टमेंट से भैया का किरदार, अर्चना बिस्सी डोंकी डिपार्टमेंट से बहन का किरदार, देवाशीष बिस्वाल दुर्गापुर डिपार्टमेंट से बंदर का किरदार, रितेश कुमार बगंटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बंदर का किरदार और रिकी करण ओडिया डिपार्टमेंट से एक पेड़ का किरदार। तो आइए बिना वक्त गवाए जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं और शुरू करते हैं हमारा नाटक रूट ऑफ लाइफ एक छोटी सी पीस से। एक छोटे से बीज की है और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। थोड़ी सी धूप और पानी से वह बीज धीरे धीरे एक पौधा बनने लगती है। अरे बोला देखो ये छोटा सा पौधा कितना प्यारा लग रहा है। हाँ भाई गोपाल इतना प्यारा है कि इसे देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। सही बोला। और याद है जब हमने तेरे घर के आंगन में एक पेड़ लगाए थे? हाँ भाई वो भी क्या दिन थे, लगाया तो था पर तूने तो सभी आंगन खत्म कर दिए थे। अरे वो तो इतने थे स्वादिष्ट, मुझे तो उन्हें बिना खाए रहा ही नहीं गया। वो पेड़ नहीं गया। अच्छा वो सब छोड़ यार, जब पौधे को पानी देते हैं और मिलकर इसको बड़ा होने में मदद करते हैं ताकि हम फिर से मीठे मीठे फल खा सकें। हाँ हाँ बिल्कुल भाई जरूर क्यों नहीं। अरे भाई ये क्या कर रहा है? दीदी ने कहा पेड़ काट रहा हूँ। पर क्यों? अरे क्या क्यों, मुझे काटने को बोला गया है, पेड़ से मिले होंगे। लेकिन भाई तू तो जानता है ना ये पेड़ कितना जरूरी है हमारे लिए, ये हमें हवा छांव फल वृक्ष सब कुछ यही तो देता है। अगर यही नहीं रहेंगे तो कहाँ से आएंगे वो सब? क्या कहने तुझे, तू जा यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे। और तू क्या करता है मेरी मर्जी में, मुझे मेरा घर जलाना है और मेरा घर तेरी मीटिंग की बात से नहीं करने वाला। पर भाई उस तो सोच, ये पेड़ कट गया तो हमारा गांव का क्या होगा? कट जा भाई, क्यों मेरी रोजी रोटी को लात मारना चाहता है?
अरे भाई तू मेरी बात को समझ ही नहीं रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, तेरे को जो बोलना है क्या करता है वो। कहाँ से तेरे पास? वो उधर देख, हम ये बात कर रहे हैं, जा जा कर बोल। राय राय रुको जरा, मैं आपको एक मिनट बाद कॉल करता हूँ। हाँ बोलो। राय ये पेड़ काटना बंद कर दीजिए ना। पर क्यों क्या है? ये पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है आप तो जानते हैं ना। आज के जमाने में पर्यावरण का बात करते हो मेरे भाई, पैसा जरूरी है पैसा। ये लो तुम्हें भी जरूरत होगा, ये लो कुछ ले लो और जाओ जाओ। ये पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? मैं आपको ऐसे करने नहीं दूंगा, मैं अभी गाँव वालों को बुलाता हूँ। देख तुझे कैसा लेना है तुझे, वरना मत ले, फिर तो करके ही रहेंगे। चल निकल यहाँ। अरे भाई वहाँ जंगल में एक आदमी बड़े पेड़ को काट रहा है, चलो मेरे पास उसे रोकने के लिए। अरे बोला एक ही तो पड़ रहा है, एक पेड़ काटने से कुछ नहीं होगा, तू ज्यादा चिंता मत कर। अच्छा ठीक है, तुम लोग कहते हो ठीक है। अरे यार मुझे तो यही सोच के अच्छा लग रहा है कि
कल जब सब लोग बोलेंगे किसान के पेड़ से आम खाएगा तो कितनी शांति मिलेगी। हाँ हाँ किसान भाई, बस अपने पेड़ों की मदद रखना, नहीं तो कोई और खा जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। ये पेड़ों का ध्यान रखेंगे और अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखेंगे। दोस्तों ये सिर्फ एक शुरुआत है, पेड़ लगाने का यह संकल्प हमारी धरती को फिर से जीवन से भर देगा। चलिए मिलकर ये वादा करते हैं कि पेड़ लगाएंगे और इन्हें संभालेंगे ताकि हमारी धरती हमेशा हरी भरी रहे। इसी परीक्षा ही सुनते हैं। पेड़ है जीवन का सार, इन्हें बचाओ, ये है हमारा प्यार। कल की हरियाली के लिए आज का समर्पण, पेड़ लगाओ, ये है हमारा जीवन। दोस्तों आज का दिन गाँव वाले के लिए एक नई शुरुआत करना है। गाँव वाले मिलकर पेड़ लगाते हैं और एक नई उम्मीद जगाते हैं। वे सब एक जगह इकट्ठा होकर वादा करते हैं कि वे अपने गाँव की हरियाली को कभी नष्ट नहीं करेंगे। वह सब ये समझ गए कि यह कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं बल्कि इंसानियत और प्रकृति के बीच के प्रेम की मिलन की है, महत्व बताते हैं और एक साथ मिलकर आज का दिन गाँव वाले के लिए एक मिसाल बन और यह पेड़ उन्हें ध्यान दिलाते रहेंगे कि मिलकर की हुई मेहनत और हमारे धरती को कितना सुख मिलता है। आइए मिलकर यह संकल्प व वादा करते हैं कि हमारी धरती को हमेशा हरा भरा रहे। चलो सब मिलकर वादा करते हैं, पेड़ों को निरंतर काटने नहीं देंगे, पेड़ों को निरंतर काटने नहीं देंगे, उनकी रक्षा करेंगे, गाँव के सारे बच्चों को पेड़ लगाने की दिशा वाले आप लोग जीत गए। Thank you.